जलंधर तो लोक सभा मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी ने लोक सभा विच बजट इजलास दौरान अमृतपाल सिंह दी एनएसए तहत गिरफ्तारी दी तुलना एमरजेंसी नाल कीती, जिस तों बाद चन्नी सत्ताधर दे निशाने ते आ गए। अमृतपाल सिंह खडूर साहिब तों लोक सभा मैंबर ने अते ओह सिखां लई खालिस्तान दी वकालत करदे ने, पर फिलहाल अमृतपाल सिंह एनएसए तहत असाम दी डिब्रूगढ़ जेल विच बंद ने। दूजे पासे चन्नी दे इस बयान तों बाद कांग्रेस ने खुद नूं वख कर लिया है। जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, उनके पर्सनल व्यूज हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी सदन विच बीजेपी वालों वार बार कांग्रेस उत्ते लगाए जाते एमरजेंसी के इल्जामों का जवाब दे रहे सन, जिस दौरान उन्होंने यह बयान दिता। चन्नी ने कहा एमरजेंसी यह भी है कि लोगों वालों पंजाब विच मैंबर पार्लीमेंट चुनिया गया अते ओह एनएसए लगा के अंदर रखा हुआ है, पर बीजेपी ने चन्नी के इस बयान की सख्त आलोचना की है। का समर्थन कांग्रेस का बाहरे कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। चन्नी जी, आपकी पता नहीं कितनी आयु थी 1975 में, जो आपके युवा नेता थे वो तो शायद पैदा भी नहीं होते उस समय, बट ऐसा है कि हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है। ओवरनाइट लीडर्स वर लॉक्ड अप, सिविल लिबर्टीज वर कर्टेल्ड, न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड विद अ ब्लैंक पेज। कांग्रेस ने भावे चरणजीत सिंह चन्नी दे बयान तो किनारा कर लिया है, पर अमृतपाल सिंह दे परिवार ने चरणजीत सिंह चन्नी दे इस बयान उत्ते उन्हां दा धन्नवाद कीता है। असीं चन्नी जी का बहुत ही धन्नवाद करते हैं, और उन्होंने जो पहले अमृतपाल ऑपरेशन के टाइम में भी जहाँ उसकी जब भी घरवाली बाहर जा रही थी उस टाइम भी रोका गया, उस टाइम भी उन्होंने आवाज उठाई। वो मोदी साहब ने जो आने तो रोकया गया उदो भी उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज ना पंजाब नू प्रेजेंट किया। इस करके असी चाहते कि पंजाब के योधे वो जजारू है, तो उन्होंने सानू साढ़े परिवार को खास करके माण है। पूरे देश में जो जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की।